स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर के एक और पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और इलस्ट्रेटर में आज हम देखेंगे स्टैंडिंग बैग्स के प्रिंटिंग के लेआउट को समझेंगे, साथ में हम देखेंगे स्टैंडिंग बैग्स किस प्रोडक्ट के लिए क्यों यूज में लिया जाता है, साथ में स्टैंडिंग बैग्स और स्टैंड अप पाउच में क्या फर्क है। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग बैग्स के पहले स्टैंड अप पाउच को देख लेते हैं। पिछली हमारी वीडियो थी स्टैंड अप पाउच के ऊपर, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि स्टैंड अप पाउच क्या चीज है। अब देखिए स्टैंड अप पाउच और स्टैंडिंग बैग्स में क्या फर्क है। देखिए स्टैंड अप पाउच हमेशा साइज में छोटे होते हैं और कम क्वांटिटी वाली चीजों के लिए यूज होता है, ऐसी चीजें जिन्हें एयर टाइट रखने की जरूरत होती है। स्टैंड अप पाउच दो तरह से डिजाइन होते हैं। लोकल कंपनियां स्टैंड अप पाउच बने बनाए खरीद के लाती हैं और उसमें प्रिंट करवा लेती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड या प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट जो कंपनियां बनाती हैं वो हमेशा अपना कस्टम पाउच ही डिजाइन करवाती हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, तो स्टैंडिंग बैग्स हमेशा कस्टम ही रहता है। स्टैंडिंग बैग्स हमेशा ज्यादा क्वांटिटी वाली चीजों के लिए यूज होता है, जैसे कि राइस, शुगर, डिटर्जेंट पाउडर, ऐसी चीजों के लिए, और ऐसी चीजें जो कि स्टैंडर्ड या प्रीमियम क्वालिटी की होती है, क्योंकि इसका बैग जो है वो ज्यादा क्वांटिटी वाली चीजों के लिए यूज होता है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी रखनी पड़ती है। हाँ, उसमें डिजाइन का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा कॉस्टली बैग होता है, ठीक है जी। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि स्टैंडिंग बैग्स कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। इसके चार साइड होते हैं स्टैंडिंग बैग्स के, ये फ्रंट, एक बैक, ये राइट और एक लेफ्ट। एक और होता है नीचे की तरफ, जिसे जब ज्वाइंट करते हैं उसे लगाया जाता है, ये डिजाइन का पार्ट नहीं होता है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। तो आइए पहले साइज देख लेते हैं। साइज ये होगा जी 1 kg का हाइट होगा 456 और विड्थ है 305 mm में, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी साइज एक जैसा नहीं होता, इसलिए कोई भी ये मत सोचिए कि इसमें कोई स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट सब अलग अलग होते हैं। कुछ ग्रेन्यूल फॉर्म में होते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ को ज्यादा स्पेस चाहिए, कुछ को कम स्पेस चाहिए। तो इस ये चीजें आपके क्लाइंट के साथ ही आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा साइज लेना है, क्या साइज लेना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए जब भी आपका क्लाइंट साइज देगा तो कुछ इस तरह से देगा, हाइट 456 एंड विड्थ 305 mm, ठीक है, यहां तक। अब उसमें कुछ ऐड करने हैं, कुछ ऐड क्या करने हैं, देखिए 10 mm आपने ऐड करना है जॉइंट स्पेस के लिए। जॉइंट स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ और ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा, ठीक है। और 10 mm आपको सील के लिए चाहिए, सील यानी कि ऊपर की जो सील होती है, 10 mm एक्स्ट्रा स्पेस। और तो टोटल हमारे पास हो जाता है 476 mm। उसी तरह से विड्थ में सिर्फ हमने जॉइंट स्पेस ही लेना है, तो जॉइंट स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, 10 mm, तो टोटल हमारे पास हो जाता है 315 mm। तो ये साइज हमने लेके चलना है। तो चलिए एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और अपना लेआउट को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे फाइल में और न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूं। तो लीजिए हम आ गए न्यू डॉक्यूमेंट में, और न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले प्रिंट में जाएंगे, क्योंकि हम प्रिंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं। प्रीसेट डिटेल्स में कुछ भी नेम जरूर दे दीजिए, जैसे कि मैं दे रहा हूं स्टैंडिंग बैग, ठीक है जी, कुछ भी नेम दे दीजिए। सो थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिट को सेट करेंगे। यूनिट हमारा एमएम में है, तो यहाँ पे ले लेंगे जी मिलीमीटर, ठीक है। और साइज हमने लेना है हाइट में 476, तो हाइट में हम यहाँ पे ले लेते हैं जी 476, ठीक है। विड्थ में हम लेंगे 315, तो विड्थ में आ जाते हैं 315, ठीक है जी। अब ओरिएंटेशन को हम यहाँ पे पोर्ट्रेट नहीं लेंगे, लैंडस्केप लेंगे, आर्टबोर्ड 1 लेंगे,
ब्लीड मिनिमम 3 mm ले लीजिए, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, 3 यहाँ टाइप किया और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। नीचे आ जाए तो एडवांस ऑप्शन में प्रिंटिंग के लिए अगर यूज कर रहे हो तो CMYK के कलर, अगर प्रैक्टिस करोगे तो RGB कलर ले लेना। उसी तरह से रास्टर इफेक्ट अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हो तो 300 PPI, वरना आप 150 या 72 PPI भी ले सकते हो अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। और क्रिएट कर देंगे तो ये लीजिए हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। तो सबसे पहले आ जाएंगे लेयर में, लेयर में आना है और डबल क्लिक करना है, लेयर का एक नेम देना है, लेआउट मैं दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। लेआउट हमने दे दिया है। अब एक रेक्टेंगल लेंगे और इस ब्लीड के ऊपर, पहले मैं दिखा दूं आपको, ये जो रेड लाइन चल रहा है इसको कहते हैं ब्लीड, और ये जो व्हाइट है आर्टबोर्ड हमारा, ये है जी ये हमारा साइज, ठीक है। अब ब्लीड जो लिया जाता है, पहले मैं उनको समझा दूं जिनको नहीं पता है। देखिए ब्लीड का मतलब है हम अपने डिजाइन से एक्स्ट्रा डिजाइन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा 3 mm एक्स्ट्रा बार की तरफ डिजाइन कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब ये कटिंग होगी यहां से तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एजेस तक नजर आए, तो इसलिए हम ब्लीड लेते हैं, ठीक है। ब्लीड बहुत ही जरूरी चीज है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, राइट। सो सबसे पहले मैं इस रेक्टेंगल को इस ब्लीड के ऊपर ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। फिल ले रहा हूं, ठीक है, फिल का कलर कोई भी ले लेंगे, लाइक मैं यहां से इस तरह से ले रहा हूं, ठीक है जी, या फिर कोई दूसरा कलर ले लेते हैं यू, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब मैं ये करूंगा जी इसका, अब एक और कॉपी करूंगा, कॉपी एंड फ्रंट में ही पेस्ट कर देंगे, और उसका कलर भी मैं चेंज कर दूं, लाइक मैं यहां से ग्रीन कर देता हूं कुछ इस तरह का, डार्क कर देते हैं इसको। अब देखिए इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। यहां मैं आपको दिखाऊं, ये जो स्टैंडिंग बैग है ये 4 हिस्सों में है, ये फ्रंट एक बैग, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है जी। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करने के कई सारे तरीके हैं, कुछ प्रोफेशनल है, कुछ बिगनर वाले तरीके हैं, जो आज मैं बताऊंगा वो बिल्कुल बिगनर वाला है, जिनका कुछ भी नहीं आता है वो भी आसानी से इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले ये करेंगे जी, यहां से इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल को पकड़ेंगे और बिल्कुल सेंटर तक लेके आएंगे, देखिए सेंटर दिखा रहा है, छोड़ देंगे इसको और हाफ कर देंगे, यानी कि इसके भी सेंटर तक लेके आएंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए सेंटर दिखा रहा है इस तरह से। अब इसकी दो कॉपी कर लेंगे, एक यू, ठीक है, ऑल्ट की प्रेस करते हो ड्रैग कीजिए और कंट्रोल डी एक और बार कीजिए, ठीक है। अब इसको भी हाफ कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 3 पार्ट हो गए, पहले इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, पहले मैं इनका कलर चेंज कर दूं तो आपको समझ में आएगा, ये लीजिए कुछ। अब इनको यूनाइट कर देंगे, तो यूनाइट के लिए आप पाथफाइंडर के पैनल को ले लीजिए, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाथफाइंडर का पैनल नीचे, ये रहा, ठीक है, मेरे यहाँ पे ही है, तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ और इसको यूनाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये 2 पार्ट हो गए हमारे पास, अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे, एक और इनका कॉपी कर लेंगे। अब इन चारों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको भी और इसको, अब इन चारों को पकड़ के इस ब्लीड के एजिस तक लेके आएंगे, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ा और यहां तक लेके आया, तो ये लीजिए ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2 बड़े और 2 छोटे, राइट। तो अब ये करेंगे जी, कंट्रोल आर प्रेस कर लीजिए रूलर के लिए, रूलर आ गए, और यहां से गाइडलाइन लेंगे और इनके बीच में लगा देंगे ऐसे करके, ताकि हमें पता रहे यहां से डिवाइड हो रहा है कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमें चाहिए ट्रिम मार्क या क्रॉप मार्क भी आप कह सकते हो, तो ट्रिम मार्क और क्रॉप मार्क के लिए सबसे पहले लेआउट में आ जाएंगे, यानी कि लेयर में आ जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड है मैं इसको नेम दे देता हूँ BG, तो शेप को सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे जी ऑब्जेक्ट में पाथ, और यहां से लेंगे ऑफसेट पाथ को, ठीक है जी। ऑफसेट पाथ में याद रखिए हमने ब्लीड कितना लिया था 3 mm, तो यहां रखना है -3 mm, ठीक है, तो माइनस 3
थ्री करके मैं प्रीव्यू ओके करूं तो यहाँ पे एक और शेप आ जाता है। मैं ओके कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक और शेप आ गया। ठीक है जी, अब मैं इसको या तो ऊपर कर दूं तो आपको दिखाई दे, यहाँ पे ये यह आ गया जी। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट ही रखना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहां से ले लेंगे जी क्रिएट ट्रिम मार्क। तो ये आ गया जी ट्रिम मार्क हमारा। अब इस पिंक वाले की हमें जरूरत नहीं है, चाहो तो आप इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब जिनको नहीं पता मैं उनको समझा दूं कि ये ट्रिम मार्क इसीलिए होता है कि ताकि ये जो लीड वाला पार्ट है इसको काट के निकाला जाए। ठीक है, एक बार वर्टिकल कटिंग किया जाएगा, एक बार हॉरिजॉन्टल कटिंग करेंगे तो ये जो अंदर वाला हमारा साइज है ये मिल जाएगा और ये वाला बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, ऑलराइट। सो और आगे बढ़ते हैं और अब हम क्रिएट करेंगे सेफ जोन या फिर इनर मार्जिन, जिसके अंदर हम अपने सभी इंपॉर्टेंट चीजों को रखते हैं, जैसे टेक्स्ट, लोगो, आइकन, बार कोड, QR कोड। ऐसी चीजों को हम नहीं चाहते हैं कि जॉइंट स्पेस के ऊपर आए या फिर ऊपर सील के ऊपर आए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जी इन चारों रेक्टेंगल को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे ऐसे, यू यू और यू। ठीक है जी, ये दिखा दूं मैं आपको, चारों सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब मैंने ये करना है जी, इसको ऊपर से थोड़ा छोटा करना है। कितना छोटा करना है पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए पहले तो 3mm प्लस 10mm, देखिए 10mm यहाँ पे सील हमने लिया था ऊपर के साइड के लिए और 3mm हमने लिया था ब्लीड के लिए। याद रखिए जो आपका सेव जोन होगा वो आपके एक्चुअल साइज के एज से स्टार्ट होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे जी, पहले जाएंगे विंडो और यहां से लेंगे ट्रांसफॉर्म का पैनल, ये आ गया। रेफरेंस पॉइंट रखेंगे नीचे क्योंकि हमें नीचे की तरफ लेके जाना है और हाइट में आ जाएंगे। हाइट हमारा दिखा रहा है 321, कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये ब्लीड भी ऐड हो रहा है इसमें। ठीक है, तो हमने इसको 13 mm माइनस करना है, यानी कि नीचे की तरफ लेके जाना है। 10mm हमारा हो गया ऊपर का सील और 3mm हो गया ब्लीड। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 308। ठीक है जी, और एंटर करेंगे तो ये आ गया जी नीचे की तरफ, राइट। सो इसको सेलेक्ट ही रहने देंगे, डीसेलेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमने ये करना है जी, अब जाएंगे ऑब्जेक्ट में फिर से पाथ और यहां से ले लेंगे ऑफसेट पाथ को। अब एक चीज और याद रखिए कि हमने जॉइंट स्पेस कितना लिया था 10mm, तो इसको माइनस 10mm यहाँ पे करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ माइनस 10mm। प्रीव्यू में आपको दिखाऊं, देखिए अंदर की तरफ रेक्टेंगल आ गए हैं, मैं ओके कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, इसको भी आपने डीसेलेक्ट नहीं करना है, राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर और इसको मेक गाइड्स में बदल देंगे, तो ये गाइड्स में बदल जाते हैं। ठीक है जी, ये सभी गाइड्स में बदल गए। तो अब ये करेंगे जी, पहले गाइड्स को आपने लॉक जरूर कर देना है, अगर लॉक नहीं किया है तो। गाइड्स को लॉक करने के लिए जाएंगे व्यू में और नीचे आ जाए गाइड्स और यहाँ से लॉक गाइड्स, ताकि हमारे गाइड्स इधर उधर मूव ना हो जाए और हमारा लेआउट खराब ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक चीज और मैं बताऊं कि यहाँ पे अलग अलग डिजाइन होता है, फ्रंट में और बैक में एक तरह से और राइट और लेफ्ट में एक तरीके से। ठीक है, आप इन्हीं रेक्टेंगल के ऊपर डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो एक काम और ये करेंगे कि जी फिर से मैं इन्हीं रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, चाहो तो इसको वापस आप ड्रैग करके ऊपर लेके जा सकते हो, देखिए कुछ इस तरह से। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो स्पेस है बीच का, यहाँ पे पंच किया जाता है, यानी कि एक क्रीज की तरह बनाया जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे क्रीज की तरह बनाया जाता है ताकि ये रेक्टेंगल शेप में आए। ठीक है, जब नीचे का पार्ट यहाँ पे जॉइंट होगा ये पूरी तरह से रेक्टेंगल हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम ये करेंगे जी, ये जो कलर वाले शेप है इनको कलर में मत रखना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इनको व्हाइट कर देता हूँ, इन ग्रीन वाले को मैं थोड़ा सा ग्रे में कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो ये है जी स्टैंडिंग बैग का प्रिंटिंग का लेआउट। डिजाइन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे अगली ट्यूटोरियल में और बहुत कुछ मैं आपसे अगली ट्यूटोरियल में भी शेयर करूंगा।
उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया पोस्ट हमारे मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।